के वापस लौटते हो हमारे साथ, दो डॉक्टर्स भी जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ज्ञान भारती हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव मौजूद हैं, कोलंबिया एशिया अस्पताल में डॉक्टर हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता भी लाइव इस समय अमृतसर से जुड़े हैं, जीएम कॉलेज के MD। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ज्ञान भारती मैं आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह नजर बनाए हुए हैं, देश में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, सरकार अलर्ट मोड पर है, पुलिस प्रशासन, यहां तक कि आप लोग हमारे डॉक्टर्स भी, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी सर नहीं निभा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है, जो लोग जिम्मेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे सर। अभी मौजूदा हालात को, आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं सर? ये सवाल मेरे लिए है डॉक्टर ज्ञान भारती, और लगता है डॉक्टर ज्ञान भारती से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सवाल मेरा बहुत सीधा है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की और राज्य सरकारों के बीच में, क्योंकि राज्यों के अलग अलग मेडिकल स्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज अलग अलग है, तो ऐसे में आप मानते हैं कि ये बैठक, ये संवाद, ये कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ राज्यों में सुविधाएं कम है, कुछ राज्यों में थोड़ी बेहतर है? जी, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पंचकुला से हूं, अमृतसर से नहीं। ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी पूरा तालमेल बनाए हुए हैं अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया है, जो उन्होंने फैसला किया लॉकडाउन का। अगर आप देखो अमेरिका जैसे कंट्री, अभी आप भी खुद ही बात कर रहे थे कि वहाँ कितने ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं, और उसका कारण यही था कि उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया, उन्होंने समय रहते सोशल डिस्टेंसिंग का एक्शन नहीं लिया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए कि हमारा तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप देखिए वहाँ कितने लोग, कल ऑलमोस्ट 900 लोगों की वहाँ डेथ हो गई है, और ऐसा ही हाल इटली में हुआ है। और इस वक्त पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आपस में बात करना, तालमेल रखना, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर हम देखें इस सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे यहाँ पे फायदा भी हुआ है, हमारी जो ट्रांसमिशन है, जो वायरस का जो ट्रांसमिशन है, जो कम्युनिटी लेवल पे हो सकता था, वो स्लो डाउन हुआ है ऐसा करने से। डॉक्टर सुरेंद्र, जैसे कि आप डॉक्टर सुरेंद्र, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर के नजरिए से देश के मौजूदा हालात को आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप मुझे पूछें कि अभी जो वायरस ट्रांसमिशन किस स्टेज पे है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी भी जो लोकल ट्रांसमिशन की फेज में ही है, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा नहीं शुरू हुआ है। जैसे कि तबलीगी मरकज का जो एपिसोड हुआ है एक दो दिन पहले, जिसमें हमारा नंबर एकदम से बढ़ा है, तो इसको मैं कुछ लोकल ट्रांसमिशन ही काउंट करूंगा, या लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ही कहूंगा। पर ये वक्त अभी बहुत सतर्क रहने का है, हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो हैंड हाइजीन के मेजर है वो सारे हमें लेते रहना चाहिए। और मैं ये मानूंगा कि अभी 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 भी हम वो क्रिटिकल फेज में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जरूरत है अभी भी हमें कॉशियस रहने की, और ये जो सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये हम सभी जानते हैं कि भारत में अभी भी भारत के पास एक अवसर है, एक मौका है। डॉक्टर ज्ञान भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ज्ञान भारती, आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा कि राज्यों के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मेडिकल स्ट्रक्चर, जो सुविधाएं हैं, और जितनी बड़ी चुनौती है, हम कितने तैयार लग रहे हैं अभी जो हालात है उसको देखते हुए, और अभी तक जो प्रयास हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री की तरफ से जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं, कितना पर्याप्त लगता है, कितना सही दिशा में हम जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारी हेल्थ केयर अभी तक तो काफ़ी कुछ इसमें साबित हुआ है कि अभी तक हम इससे लड़ने में सक्षम हुए हैं, लेकिन सिर्फ
हेल्थ केयर की वजह से ही नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, जैसे कि लॉकडाउन करना, जनता का भी इसमें हमें पूरा साथ मिला है इस टाइम पे कि वो लॉकडाउन की वजह से घर में है, जिससे कि हमारा जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हम बार बार एक बात हम कह रहे हैं कि क्या हम स्टेज टू से स्टेज थ्री में गए, हम तो ये स्टेज समझने वाली जो चीज है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टेज टू है वो एक ऐसे केसेस होते हैं जिनको ट्रेस करना बहुत ईजी होता है, जैसे कि हम जब भी कोई पेशेंट आया, कोई भी बाहर से ट्रेवल करके आया, उसके कॉन्टेक्ट को हम ट्रेस कर लेते हैं। स्टेज थ्री वो स्टेज है जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हमें कोई भी लिंक नहीं मिल पाता है, पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ना हम किसी से मिले, ना हम कहीं गए, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये जो स्टेज है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, ये अभी तक नहीं हुई है फॉर्चुनेटली, और आगे भी प्रयास ऐसे जारी हैं, केंद्र सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकारें कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक हम उसको रोकने में सक्षम हुए हैं हर तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी देशों के बनस्पत डॉक्टर ज्ञान भारती, भारत जीत रहा है। बाकी देशों के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो हम कई गुना आगे हैं कि यहाँ पर मामले इतने नहीं सामने आए। और अभी आपने कहा अभी हम कम्युनिटी ट्रांसफर वाले फेज में नहीं गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे आप सतर्क करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए? जी मैं उनसे भी अपील कर बिल्कुल ये मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, लेकिन देखिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपने पाथ पे इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको कंटेन किया हुआ है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि आनंद विहार का केस हो गया, या फिर आप देखेंगे अभी निजामुद्दीन में ऐसा हो गया कि जो हमारे लिए बहुत ही खराब हो जाती है, हम अपने पाथ से बिल्कुल ही डाइवर्टेड दिखने लगते हैं कि ये चीज कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक न सिद्ध हो जाए। तो इस पे भी थोड़ा सा हमें एडमिनिस्ट्रेटिव से राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से ये अपील करूंगा कि इस चीज को बहुत ही सख्ती से लागू करें, चाहे लोकल पुलिस चाहे सेना जिस भी तरीके से करें, ताकि हम उससे लड़ने में सक्षम हो, अदरवाइज हम फिर हेल्पलेस होंगे अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मतलब स्टेज थ्री में अगर हम गए तो। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत सही बात कही आपने कि ये जो एक दो घटनाएं हुई हैं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसको कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए। इधर कोरोना मरीजों के क्वारंटाइन को लेकर दिल्ली के तुगलकाबाद में कैसे इंतजाम